नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ज़्यादातर का कहना था कि सर द हिंदू वोकैबलरी लेकर आइए, और मैं बार बार यही आपसे कह रहा था कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं लेकर जरूर आऊँगा। तो फाइनली अब ये हो रहा है, अब आपको द हिंदू वोकैबलरी, सिर्फ द हिंदू नहीं, मैंने ये डिसाइड किया है कि हम द हिंदू के साथ साथ द इंडियन एक्सप्रेस वोकैबलरी भी करेंगे। ठीक है, हम एक आर्टिकल द हिंदू से करेंगे और एक आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस से करेंगे, और दोनों को मिला के हम दोनों का एडिटोरियल पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं क्लास का, और ये सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखेंगे अंत तक, और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट हमारे अपने आर्टिकल की तरफ। तो देखो हमारा तरीका क्या रहेगा, हम द हिंदू से एक एडिटोरियल लेंगे और द इंडियन एक्सप्रेस से एक एडिटोरियल लेंगे, और उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और उसमें जितनी भी वोकैबलरी है उन सभी चीज़ों को हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो हम आज सीखने वाले हैं वो है जैब। जैब का मतलब क्या होता है? जैब जो है एक नाउन भी और एक वर्ब भी है। ये बहुत ज्यादा इस समय चलन में है, बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है कि गॉट द जैब ये, और जैबोत्सव भी चलाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ये करीब फरवरी मार्च की बात है, उन्होंने जैबोत्सव चलाया था। तो जैब वर्ड क्या है? जैब का मतलब ये होता है किसी को, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है और मैं इसको ऐसे करके पेन से इसमें ऐसे पोक कर रहा हूं। एक फेसबुक में पहले फीचर होता था पोक करना, जिसमें आप किसी को ऐसे नच कर रहे हैं उसे पोक करना कहते हैं। तो कुछ पोक करने को हम कहते हैं जैब। तो अ शार्प या फिर क्विक ब्लो, स्पेशली विद द फिस्ट या फिर मुक्के वगैरह इस तरीके से मारना, इसे भी हम जैब कहते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाते हैं पोक, प्रॉड, डिग, नज या फिर टैप। अब हम जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे समझ लीजिए, टीका लगवाने को भी जैब ही कहा गया है, क्योंकि टीका में भी क्या होता है कि निडिल होती है, निडिल को हम ऐसे हाथ में भोंकते हैं और उससे फिर हमारा टीका लगता है, तो जैब को टीका लगाने भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाउन भी और वर्ब भी है। अगला वर्ड हमारा है माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है? माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर। अब मील का पत्थर मतलब यार पहले क्या होता था, मैं छोटा था जब मैं पापा के साथ बाइक पे जाता था, जैसे यहां से कानपुर से हरदोई हम लोग गांव जाते थे, तो मेरा एक ही मकसद होता था, जैसे ही रास्ते में वो पत्थर दिखता है ना एक, तो उसमें लिखा होता था हरदोई 140 किलोमीटर, फिर थोड़ी देर में पत्थर मिलता था उसमें लिखा होता था 130, फिर लिखा होता था 110, तो इस तरीके से मैं पूरा रास्ता काट लेता था अपना। तो वो जो पत्थर होता है उसी को हम माइलस्टोन कहते हैं। तो अब माइलस्टोन का मतलब मील का पत्थर, और उसका एक अर्थ ये भी हो जाता है कि किसी भी कार्य को करने में आपको एक 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 स्टेज मिलना, आप किसी स्टेज पर पहुंच जाएं, उसे कहते हैं माइलस्टोन मिलना। ठीक है, अगला वर्ड होता है एडमिनिस्टर करना। तो एडमिनिस्टर आसान शब्द है, जैसे यहां पर इसका अर्थ हो रहा है दवा वगैरह बांटने के सेंस में है, मतलब हो जाता है डिस्पेंस और अप्लाई अ रेमेडी और ड्रग, किसी दवाई वगैरह को बांटना या किसी दवाई वगैरह को देना, उस सेंस में आता है एडमिनिस्टर। अगला जो वर्ड है हमारा वो है इम्यूनोजेनिसिटी। ये थोड़ा सा नया वर्ड है जिसको आप जल्दी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, ये अभी बनाया गया है। इम्यूनो मतलब होता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, और ITY CITY अगर किसी में लगता है तो वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब हो गया कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस सच एज एन एंटीजन टू प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन और अदर एनिमल। यानी कि हमारे शरीर में टीका लगाया जा रहा है और उससे जो प्रतिरोधक क्षमता जो डेवलप होने की जो एबिलिटी है उसे हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। और अगला जो शब्द है वो है हमारा नॉट। तो इसको आप तीनों को साथ याद रखेंगे, नॉट, प्रॉड, नज, मतलब होता है अप्रूवल। देखिए नॉट का मतलब इस तरीके से सर हिला के सहमति देना होता है। ठीक है, आप सर हिला के सहमति दे रहे हैं तो उसे नॉट करना कहते हैं। तो दैट पर्टिकुलर वैक्सीन हैज गॉट गवर्नमेंट्स नॉट, यानी कि उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है, सहमति मिल गई है। इसके अलावा रियाम, रियाम का मतलब होता है किंगडम या फिर किसी इंटरेस्ट का क्षेत्र, फील्ड और डोमेन ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट का जो क्षेत्र होता है उसे रियाम कैसा कहा जा सकता है। इसके अलावा रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब हो जाता है किंगडम भी होता है, इसके अलावा यहां पर जिस अर्थ में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो रियाम का मतलब होता है प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइट और एक्सरसाइज फॉर द प्रमोशन और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, चिकित्सीय उपचार करने का जो तरीका है पूरा उसे रेजिमेंट कहा जाता है। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन है। अगर अदरवाइज आप सीधे टेलीग्राम पे जाके @ अमन त्रिवेदी सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
ठीक है। और ये देखिए, हम लोग एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं, और एडिटोरियल पढ़ने का मकसद क्या है? देखो मकसद बेटा ये है कि आप अंग्रेजी का किसी भी एग्जाम का पेपर दे रहे हो, चाहे आप कैट का देते हो, क्लैट का देते हो, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स वाई ग्रुप, आपका सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ, किसी भी एग्जाम का अगर आप पेपर देते हैं, तो आपको एक ही चीज आपको आनी चाहिए, और वो होती है रीडिंग एबिलिटी। अगर आपकी वर्बल एबिलिटी सही है, तो फिर आपसे कोई क्लोज टेस्ट गलत नहीं करा सकता, आपसे कोई पैराजंबल गलत नहीं करा सकता, आपसे कोई आरसी गलत नहीं करा सकता। इसीलिए रीडिंग बहुत आवश्यक है। एक बार ये आपने रीडिंग अच्छी कर ली, तो बेटा तुमसे कैट तक का एग्जाम निकल जाएगा, अगर आप एक अच्छे रीडर बन गए, आपको समझ में आने लगनी चीजें। क्योंकि हमारे जैसे लोग जो हिंदी मीडियम से आते हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, हमारे साथ में दिक्कत ही होती है कि अगर एक साथ बहुत सारा टेक्स्ट मुझे अंग्रेजी में दिख जाए, तो उसे पढ़ने में ही मेरे तोते उड़ जाते हैं, मुझे डर लगने लगता है। तो उसी डर को भगाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कि आप एटलीस्ट 2 आर्टिकल डेली पढ़ने की आदत डालें, और 30 मिनट से 45 मिनट, 1 घंटा हमारा इस वीडियो में लगेगा, लेकिन इट वर्थ इट होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, और पूरी ईमानदारी से इसे फॉलो करना है डेली। अगला वर्ड है हमारा साइज डाउन। साइज डाउन करने का मतलब होता है किसी को लार्जर से स्मॉलर पार्ट में अरेंज करना। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब हो जाता है फिजियोलॉजी, किसी भी वर्ड में अगर लॉजी लगेगा तो उसका मतलब हो जाता है स्टडी, और फिजियोलॉजिकल मतलब हो जाता है शरीर के अंगों के कार्य के बारे में पढ़ना, कि रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके हिस्से किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ना हमें क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। इसके अलावा एम्पिरिकल, एम्पिरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन कंसर्नड विद और वेरीफाइबल बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट रादर देन थ्योरी और प्योर नॉलेज, यानी कि प्रयोगात्मक मानों पर आधारित, एम्पिरिकल वैल्यू। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब केमिस्ट्री में हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, तो वहां पे एक एम्पिरिकल वैल्यू लिखते थे, एम्पिरिकल वैल्यू वो होती थी जो प्रयोग करने के बाद में आती थी, उसे कहते थे एम्पिरिकल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके अलावा इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु अवस्था, छोटा जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है उसे इन्फेंट कहते हैं, इतना छोटा नहीं होता है। एडोलेसेंस होता है, एम्ब्रायो होता है जो काफी छोटा होता है, एम्ब्रायो। ठीक है, एम्ब्रायो राइट। और फीटस भी होता है, जिसकी फीटिसाइड कहा जाता है, फीटस, फीटिसाइड मतलब आपका भ्रूण हत्या। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था होता है, एस्केलेट, मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा चलने वाली सीढ़ियां लगी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एस्केलेटर कहते हैं, एस्केलेटर कहते हैं, क्योंकि वो चलता है, ऊपर ले जाता है। तो एस्केलेट करने का मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज करना और बहुत तेजी से इंटेंस होना या सीरियस होना। इसके अलावा डीएस्केलेट, डीएस्केलेट मतलब किसी चीज को नीचे लाना, यानी कि धीरे करना। कोहॉर्ट का मतलब हो जाता है एक तरह के लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड कोहॉर्ट। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है reinstate। re मतलब अगेन और instate मतलब उसे उसी पोजीशन में लाना। तो re मतलब reinstate का मतलब होता है वापस से पुनः उसी पोजीशन में लाना जिसमें वो पहले था, किसी चीज को रिस्टोर करना, रिटर्न टू फॉर्मर पोजीशन, रिटर्न टू पावर, वापस उसी स्थिति में लाना जिसमें वो था। कॉर्नर स्टोन का मतलब हो जाता है एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी या फीचर जिसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो फाउंडेशन, बेसिस, कीस्टोन, मेनस्प्रिंग, मेनस्टे, लिंचपिन, पाइवोटल, वाइटल, वाइटल मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट, बेडरॉक, फंडामेंटल, बेस, की, ये सारे हो जाते हैं। इन्फ्यूज करना मतलब होता है एक तरीके से इंजेक्ट करना, किसी चीज को फिल करना, परवेड करना, परमिएट करना, सफ्यूज, चार्ज, सैचुरेट, इम्ब्यू, इंस्पायर, इनंडेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब हम ये द हिंदू का आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। पहला वो जो है हमारा, वो है जैबिंग चिल्ड्रेन ऑन अ COVID-19 वैक्सीन फॉर किड्स। आप लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लीजिए और इसको एक बार ही अच्छे से पढ़िए और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम चूंकि ये वीडियो है कंटिन्यूसली, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। लिखा है एज कोवैक्सीन गेट्स क्लोजर टू अप्रूवल फॉर चिल्ड्रेन, डेटा ट्रांसपेरेंसी इज वाइटल। वाइटल का मतलब मैंने आपको बताया, वाइटल का मतलब अभी हमने पढ़ा, वाइटल का मतलब जैसे कॉर्नर स्टोन है उसी तरीके से वाइटल का मतलब लिंच पिन भी होता है, मतलब होता है बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण। ठीक है, अब लिंच पिन क्या होती है आप ऐसे समझिए, आपको याद होगा जैसे फैन हमारा लगाते हैं हम लोग, तो फैन में जब टांगते हैं तो आप, किसी ने फैन टांगा होगा तो जैसे याद होगा यहां पर एक स्क्रू लगाते हैं, और जब स्क्रू को टाइट करते हैं तो यहां पर एक पत्ती लगा देते हैं, पिन लगा देते हैं हम, उसी पिन को हम कहते हैं लिंच पिन, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है कि इन केस अगर स्क्रू खुल भी गया तो वो पिन उस पंखे को गिरने नहीं देगी। तो लिंच पिन मतलब बहुत ही छोटा है बट बहुत ही वाइटल है, बहुत ही आवश्यक है, और वाइटल से ही कैप्सूल आते हैं एक हमारे रीवाइटल।
तो रिवाइटल क्या करता है, वाइटल मतलब आवश्यक, रिवाइटलाइज करना मतलब किसी को फिर से एनर्जाइज करना, ठीक है। तो कह रहा है जैसे कि कोवैक्सीन गेट्स क्लोजर फॉर टू अप्रूवल फॉर चिल्ड्रन, यानी कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो बहुत ही पास में है, उसको बहुत ही जल्द बच्चों के लिए अप्रूवल मिलने वाला है, लेकिन डेटा ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत आवश्यक है, ये यहां पर कह रहे हैं, ठीक है। तो एज अ माइलस्टोन, यानी कि एक बहुत ही आवश्यक, हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, एक बहुत ही आवश्यक स्टेज पर हम पहुंच गए हैं। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी SEC, एक और आप लोग ध्यान रखिए, पैरा जंबल के लिए बहुत ही आवश्यक मैं रूल बताने जा रहा हूं, जिसे मैं कहता हूं छोटा राजन अप्रोच। छोटा राजन अप्रोच में ये कहते हैं कि जैसे यहां पर SEC एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो छोटा राजन अप्रोच ये कहती है कि पहले किसी भी वर्ड का फुल फॉर्म आएगा और उसके बाद ही उसका शॉर्ट फॉर्म आएगा। अब देखो यहां पर इन्होंने सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख दिया है, अब आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने इसके हमेशा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिलहाल लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। कह रहा है एज अ माइलस्टोन द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीज रिकमेंडेशन टू द ड्रग कंट्रोलर टू ग्रांट इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन फॉर कोवैक्सीन अमंग चिल्ड्रन एज 2 to 18 ईयर्स इज ह्यूज। यानी कि अगर हम एक माइलस्टोन की बात करें, अगर हम एक सिर्फ एक माइलस्टोन की बात करें कि हमने कुछ अचीव किया है, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि SEC ने ड्रग कंट्रोलर से अप्रूवल के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है कि कोवैक्सीन को बच्चों के लिए एडमिनिस्टर किया जा सके, बांटा जा सके। इफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया गोज अहेड एंड ग्रांट्स अप्रूवल, इट विल बी द फर्स्ट वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन इन इंडिया। अब देखो मैं यहां पर दो चीजें आपको यहां पे पढ़ाऊंगा। यहां पर देखो इफ लगा हुआ है, इफ का मतलब होता है कंडीशनल सेंटेंस, और अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो इसका मतलब यहां पर देखो विल आ रहा है, और अगर विल आ रहा है यानी कि ये फ्यूचर कंडीशनल है, और फ्यूचर कंडीशनल में अगर रिजल्ट वाले सेंटेंस में विल आता है तो पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, गोज यानी वर्ब के साथ में SAES लगा, यानी कि सेंटेंस सही लिखा है, ये रूल आपका रिवाइज हुआ। तो वो ये कह रहा है कि अगर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है वो आगे जाते हैं और उसे अप्रूव करते हैं, तो ये पहली वैक्सीन होगी जो कि बच्चों के लिए एडमिनिस्टर की जाएगी, बच्चों को दी जाएगी। वाइल वन अदर वैक्सीन, यानी कि एक और वैक्सीन है जो कि जिसे EUA मिल चुका है, यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका है, हमने करंट अफेयर्स में से पढ़ा भी था, ZyCoV-D जिसे कैडिला कंपनी ने बनाया है, इट इज स्टिल टू बी एडमिनिस्टर्ड। हालांकि ZyCoV-D को ये अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन अभी ये बच्चों को लगाई नहीं गई है, एडमिनिस्टर नहीं की गई है। ट्रायल्स हैव स्टार्टेड विद सीरम इंस्टीट्यूट्स कोवावैक्स फॉर चिल्ड्रन एक्सटेंडिंग द टाइमलाइन फॉर एनी अदर COVID-19 वैक्सीन फॉर एक्चुअल यूज इन चिल्ड्रन। और जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है कोवावैक्स, उसके भी ट्रायल्स चल रहे हैं, जो कि अभी आगे मतलब उसके लिए अभी समय है, कुल मिला के वो ये कहना चाहता है। आगे कहता है ऑन द फ्रंट ऑफ इट, इट सीम्स लाइक अ ट्रिमेंडस अचीवमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड। अगर हम सामने से देखें तो ये बहुत ही बड़ी, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ही बढ़िया, एकदम चौकस टाइप का, झक्कास चौकस अचीवमेंट मालूम होती है बहुत ही कम समय में। वाइल द डेटा सीम टू हैव कन्विंस्ड द SEC दैट देयर इज कॉज टू मेक इट इट्स कंसिडर्ड रिकमेंडेशन, none of that is yet in the public domain at the time of SEC's announcement। कह रहा है कि वाइल, हालांकि ऐसा डेटा से ऐसा मालूम पड़ता है कि टू हैव कन्विंस्ड द SEC कि SEC जो हमने, मैंने कहा आपको छोटा राजन अप्रोच, अब देखो ये हर बार SEC यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, कि ऐसा डेटा से ऐसा मालूम होता है कि वो जो है SEC से कन्विंस्ड हैं, वो मतलब राजी हैं इस चीज को लेकर, दैट देर इज कॉज, यानी कि डेटा में ऐसा कारण है कि इसके रिकमेंडेशन को कंसिडर किया जाए, हालांकि उसमें से अभी कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं है जब SEC ने अनाउंसमेंट किया है। कहने का मतलब SEC ने कहा कि डेटा में ऐसे कारण हैं कि इसको अप्रूवल दे दिया जाए, हालांकि वो डेटा अभी पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। भारत बायोटेक ने प्रेजेंट किया है इंटरिम डेटा, इंटरिम मतलब हो जाता है आपका कार्यकारी, मतलब जो अभी फाइनल नहीं है, फॉर फ्रॉम द फेज 2 or 3 ट्रायल्स, फ्रॉम 2 or 3 ट्रायल्स का डेटा उन्होंने अभी जारी कर दिया है टू द DCGI एज द सेफ्टी फॉलो अप इज लॉन्गर इन दिस केस। सेकेंड और थर्ड फेज का डेटा जारी कर दिया है क्योंकि सेफ्टी फॉलोअप काफी लंबा है। 1 month आफ्टर द 2 डोजेस एंड इम्यूनोजेनिसिटी चेक एंड सेफ्टी फॉलोअप आर डन। इसके अलावा एक डोज जो कि 28 दिन के बाद में दूसरी डोज लगनी है, तो 1 month के बाद में कितनी इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप हुई, यानी कि कितनी इम्यूनिटी डेवलप हुई, ये सारी चीजें चेक हो गई और फॉलोअप हो चुके हैं रिपोर्ट की माने तो। The company claimed the data indicated, यानी कि कंपनी ने यह क्लेम किया है कि डेटा ऐसा इशारा करता है, डेटा इंडिकेट करता है, ऐसा इशारा करता है
इंडिकेट करता है दैट वैक्सीन्स यूज्ड द सेम प्रोडक्ट एंड प्रेजेंटेशन एज द एडल्ट वैक्सीन वाज सेफ, यानी कि डेटा ऐसा इशारा करता है कि वैक्सीन ने जो भी चीजें यूज की हैं वो एडल्ट वैक्सीन वाली ही यूज की हैं और वो सारी चीजें सेफ हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है द टू डोज कोवैक्सीन वाज एडमिनिस्टर्ड टू 525 चिल्ड्रन, यानी कि दो डोज की जो वैक्सीन थी वो 525 चिल्ड्रन को बच्चों को लगाई गई 28 दिन के गैप पर आफ्टर इट रिसीव द नॉट टू कंडक्ट ट्रायल्स ऑन चिल्ड्रन इन मे दिस ईयर, जब उसको मई में सरकार ने भारत बायोटेक को ये अप्रूवल दिया था, ये सहमति दी थी अपनी अप्रूवल दिया था कि आप इसके ट्रायल्स कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बाद 525 चिल्ड्रन को 28 दिन के गैप में वैक्सीन लगाई गई। अब पॉसिबली अनइंटेंडेड का मतलब हो जाता है कि ऐसी हमारी मंशा नहीं थी। अनइंटेंडेड का मतलब हो जाता है कि हमारी मंशा होना, तो कह रहा है कि अनइंटेंडेड, पॉसिबली अनइंटेंडेड बट वेलकम आउटकम ऑफ दिस पैंडेमिक इज द स्ट्रेस ऑन बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट साइंटिफिक डेटा जनरेटेड इन ट्रायल्स। वो ये कह रहा है कि एक संभवतः जिसकी इंटेंशन नहीं थी कि ऐसा किया जाए, बट उसका एक वेलकम आउटकम, एक अच्छा आउटकम, वेलकम आउटकम मतलब एक अच्छा आउटकम ये हुआ है इस पैंडेमिक का, पैंडेमिक मतलब इस महामारी का, कि अब डेटा पे ट्रांसपेरेंट होना काफी अधिक स्ट्रेस किया जा रहा है कि आप डेटा में ट्रांसपेरेंट होइए। डेटा फ्रॉम अदर वैक्सीन ट्रायल्स हैव रूटीनली बीन पोस्टेड इन द पब्लिक रियाम, पब्लिक रियाम मतलब डोमेन, यानी कि पब्लिक डोमेन में बाकी जो वैक्सीन थी पुरानी हमारी उनका सभी का डेटा पब्लिक डोमेन में लाया गया है धीरे धीरे रूटीन प्रोसेस के जरिए, नॉट जस्ट विद द स्टेट रेगुलेटर्स। और ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ भारत बायोटेक ने वो डेटा भारत सरकार को दे दिया और भारत सरकार ने वो देखा और अंदर ही अंदर उसे अप्रूव कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है, चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखी गई। तो वो यही कह रहा है कि इस पैंडेमिक का एक अच्छा आउटकम ये हुआ है कि अब हम डेटा को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, उस पर बहुत जोर डालते हैं और काफी ज्यादा उसको लेकर ट्रांसपेरेंट हैं, काफी ज्यादा हम उस चीज को लेकर पारदर्शी हो गए हैं। वर्किंग ऑन वैक्सीन और ड्रग रेजिमेंट्स, तो रेजिमेन मतलब मैंने बताया कि जो कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट है, प्रेस्क्रिप्शन है, उसकी बात करते हैं। तो अगर उसकी बात करें वर्किंग ऑन वैक्सीन और ड्रग रेजिमेंट्स विद चिल्ड्रन इज चैलेंजिंग ऑन मेनी फ्रंट्स, यानी कि बच्चों को ये ड्रग कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, कैसे दिया जाए, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है कई सारे फ्रंट्स पे। टू स्टार्ट विद, अगर हम शुरुआत से बात करें तो इट इज नॉट मेयरली अ केस ऑफ साइजिंग डाउन एडल्ट डोजेस फॉर चिल्ड्रन, यानी कि ये सिर्फ ऐसा केस नहीं है कि जैसे एडल्ट डोजेस जिस तरीके से हमने दी थी कि पहले बड़े लोगों को दी फिर छोटे लोगों को दी, इस तरीके से बच्चों में करना आसान नहीं है। चिल्ड्रन हैव डिस्टिंक्ट डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बच्चों के अलग बिल्कुल डेवलपमेंट्स हैं और उनके फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनके शरीर में काफी हमसे अलग चीजें हैं। एंड WHO recommends that clinical trials in children are essential to develop age specific. तो WHO कहता है कि एज स्पेसिफिक बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएं। एम्पिरिकली वेरीफाइड, यानी कि प्रैक्टिकल कर करके उनपे वेरीफाई किया जाए थेरेपीज एंड इंटरवेंशन टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स फॉर देम, और बिल्कुल डिटरमाइन किया जाए कि उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होगा। दियर बॉडीज वर्क इन वेरी डिफरेंट वेज, उनकी बॉडी बहुत अलग तरीके से काम करती है और बहुत सारे चेंजेस उनके बॉडी में हो रहे होते हैं। दे ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टूवर्ड्स एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, यानी कि वो बिल्कुल शैशवावस्था से किशोरावस्था में आते हैं और किशोरावस्था से वो एडल्टहुड में आते हैं, क्योंकि जब हम 25, 26, 27 साल के होते हैं तो हमारी बॉडी में उतने चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं। बट अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे ना कि जब वो पैदा होता है और उससे लेकर एक साल का डेवलपमेंट देखेंगे, तो जब वो पैदा होता है तो अपनी आंखों को नहीं कायदे से खोल पा रहा होता, अपना हेड भी नहीं पकड़ मतलब होल्ड कर पाता है, और बाय द एंड ऑफ द ईयर वो चलने लगता है, तो कितने तेजी से चेंजेस होते हैं उसके अंदर। तो उसी की बात हो रही है, उनमें बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, तो उनके लिए चीजें अलग ही होनी चाहिए, ठीक है। कॉलिंग फॉर एज डिस्केलेशन स्टडीज इन ट्रायल्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम एज में मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, ये ट्रायल्स में बात हो रहा है। बिगिनिंग विद एन ओल्डर एज ग्रुप, पहले बच्चों में भी बड़े बच्चों को पकड़ा जाए, उसके बाद छोटे बच्चों की तरफ चला जाए। Another question experts are raising is whether the cohort of 525 children is large enough to wing an EUA. ये बहुत सही बात की है, कहा है कि इन्होंने एक और सवाल experts ने raise किया कि क्या 525 children का जो समूह है क्या वो इतना उतने लोगों का data काफी है EUA लेने के लिए, wing an EUA मतलब EUA से सहमति लेने के लिए, ठीक है। wing का मतलब ऐसे तो noun के केस में पंख होता है, बट यहाँ पर उसका मतलब कि आप उसको EUA ले लें, यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लेने के लिए क्या इनफ है, और इफ इंक्रीमेंटल नंबर शुड बी एडेड, क्या और लोगों का डेटा लिया जाना चाहिए। गिवन द साइज ऑफ द टारगेट पीडियाट्रिक एंड पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिक टीम,
पॉपुलेशन कह रहा है कि अगर मतलब चूंकि जिस हिसाब से हमारे देश में बच्चों की या टीन पॉपुलेशन है उस हिसाब से क्या ये डेटा काफी है या इसमें हमें और लोगों को ऐड किया जाना चाहिए। मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इजीली एड्रेस्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ डेटा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि जब डेटा हमारे सामने आएगा तो ये साफ हो जाएगा। व्हाइल अ रिकमेंडेशन इज ऑनली दैट इट हैज इंडीड रेज्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस इन द कम्युनिटी, यानी कि एक रिकमेंडेशन बस ये है कि इसने एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ऐसी चीजें जो सामान्य नहीं है असामान्य एक्सपेक्टेशंस यानी कि हमारी अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है इस न्यूज ने। द DCGI, अब देखो अगेन छोटा राजन अप्रोच, अब पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, पहले इन्होंने सारे पूरा नाम लिखे हैं। ड्रग कंट्रोल जो अथॉरिटी है DCGI एज इट कंसीडर्स द SEC's एडवाइस, अगेन SEC's एडवाइस शुड एड्रेस द कंसर्न्स रेज्ड एंड रीइंस्टेट द इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू इट्स राइटफुल प्लेस एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर बिसाइड्स इन्फ्यूजिंग कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक। बहुत अच्छी बात कर रहा है, कह रहा है कि DCGI को ये कंसिडर करते हैं कि एज इट कंसिडर्स SEC's एडवाइस, उसको इस चीज को एड्रेस करना चाहिए जो हमने पॉइंट्स रेज किए हैं कि डेटा वगैरह वाले, और जो ट्रांसपेरेंसी है उसे रीइंस्टेट करें यानी कि वापस से सुनिश्चित करें, उसी पोजीशन में ट्रांसपेरेंसी लाएं एंड टू इट्स राइटफुल प्लेस उसे वापस से लाएं, क्योंकि जो डेटा है वही हमारी इन सारी चीजों का कॉर्नर स्टोन है यानी कि वही हमारी इन चीजों का हमारे बिलीफ का फाउंडेशन है और मतलब कॉर्नर स्टोन है साइंटिफिक टेम्पर का, यानी कि हमारे साइंटिफिक टेम्पर का एक कॉर्नर स्टोन एक डेटा, मतलब कहने का मतलब अगर हम जैसे हम आप में से बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई होंगी, जो लोग भी थोड़े समझदार होंगे उन्होंने देखा कि कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं या स्पुतनिक लगवाएं, मिल नहीं रही थी वो अलग बात है, बट पहले लोग बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे ना डेटा के अनुसार स्पुतनिक 95% एफिकेसी है, कोवैक्सीन इतनी है, भारत बायोटेक की इतनी, तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे और वो बात जो थी वो क्या है, साइंटिफिक टेंपर है कि हम साइंटिफिक डेटा पे बिलीव कर रहे हैं, और वो बिलीफ आया कैसे था, वो बिलीफ आया डेटा से ही था। तो वो यही कह रहा है कि जो साइंटिफिक टेंपर है उसका आधार ही ये डेटा है, सिर्फ पब्लिक में इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज यानी कि कॉन्फिडेंस लाने की बात नहीं है, लोगों में का बिलीफ ही उस डेटा पे काम करता है, इसलिए उस डेटा को पब्लिक किया जाना चाहिए। वो इसके बारे में बात कर रहा है जो कि वो ये कह रहे हैं कि होगा हो रहा है पब्लिक, मतलब वो उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस पैसेज की बात करेंगे तो ये पैसेज कोई बहुत ही क्रिटिकल नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ एडवाइजिव और रिकमेंडेशन वाला पैसेज है जिसमें कोई मतलब ऐसी कोई बहुत ही क्रिटिकल नहीं है कि बहुत ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हो कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। वो सिंपल सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है जैबिंग चिल्ड्रन बच्चों में वैक्सीन को लेकर, और वो ये बात कर रहा है कि डेटा पब्लिक होना चाहिए जैसे कि पास्ट में हुआ है, और ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे एक बार डेटा पब्लिक में आएगा। तो बस वो डेटा पे थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहा है कि डेटा पब्लिक होना चाहिए, जिसको लेकर वो क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। तो इस जो वीडियो था, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का पैसेज पढ़ने वाले हैं, बट इस पैसेज का जो मुझे पढ़ाने का मकसद था वो ये था कि आप अच्छे से इसको समझ सकें और प्रोसेस कर सकें चीजों को। आप एक बार ही पढ़ने लगेंगे ना पैराग्राफ और रीडिंग करने लगेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी भी चीज को करने में। अगले हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं वो है सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है उम्मीद की किरण, याद रखिएगा सिल्वर लाइनिंग होता है अगर किसी क्वेश्चन में सिल्वर लाइन लिखकर आता है तो वो इनकरेक्ट होगा, याद रखेंगे इस चीज को। इनकर्जन मतलब होता है अटैक करना, किसी सरकारी संपत्ति पे अटैक करना या इन्वेड करना, आक्रमण करने के सेंस में आता है। सिनोनिम अटैक, असॉल्ट, रेड ऑन, इन्वेजन ऑफ, स्टॉर्मिंग ऑफ, ओवरटर्निंग ऑफ, फॉरेन टू हो जाते हैं। डिसएंगेजमेंट मतलब होता है सेनाओं का डिसएंगेजमेंट हो गया, यानी कि सेनाएं अपनी अपनी जगह पे वापस चली गई, पीछे चली गई, उसे डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। इंट्रिगिंग मतलब आई फाइंड इट वेरी इंट्रिगिंग, मतलब आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, किसी चीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगना उसे कहते हैं इंट्रिगिंग या फिर फैसिनेटिंग लगना। फेस्टर का मतलब होता है जैसे आपके मान लीजिए कहीं पे शरीर में फोड़ा हो गया और वो फोड़ा और खराब हो रहा है, सेप्टिक हो रहा है, उसे कहते हैं फेस्टर करना, यानी कि किसी चीज का बद से बदतर होना और खराब होना। कस्टमरी मतलब होता है प्रांचलिक प्रचलित, यानी कि जो प्रथा है कस्टम है उससे रिलेटेड बात होती है। अगला है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस एक्री रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शार्प, पंजेंट, तो OUS लगता है तो हमेशा वर्ड एडजेक्टिव बनता है, तो एक्रीमोनियस मतलब हो जाता है हॉस्टिलिटी, एनिमिटी, एंटीपैथी, वैमनस्यता। काउंटर पार्ट मतलब होता है समकक्ष, जैसे प्रधानमंत्री मोदी मेट ब्रिटिश काउंटर पार्ट यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से वो मिले। फ्रिक्शन पॉइंट मतलब होता है विवादास्पद बिंदु। एस्टॉनिश सरप्राइज करना, आश्चर्यचकित करने वाला, किसी को बहुत ही इंप्रेस कर देने वाला, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अमेज, अस्टाउंड, स्टैगर, सरप्राइज, स्टार्टल, स्टन, कन्फाउंड। और इक्विप मतलब होता है किसी को कुछ जो इक्विपमेंट चाहिए वो प्रदान करना, इक्विपमेंट का ही वर्ब हो जाता है इक्विप करना, सिनोनिम हो जाता है प्रोवाइड, फर्निश, सप्लाई, इशू, फिट आउट, ठीक है।
चलिए पढ़ते हैं हम लोग अब जो इंडियन एक्सप्रेस का आज का एडिटोरियल है, यूनिक फ्रंट। यूनिक फ्रंट का मतलब है इंडिया, जो इसका आगे लाइन है, इंडिया फेसेस अनदर विंटर ऑफ हार्श फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख एज पोजीशंस हार्डन, इट मे बी फॉर लॉन्गर। वो ये कह रहा है कि बहुत ही यूनिक मतलब अद्वितीय फ्रंट, कह रहा है कि भारत एक बार फिर से सर्दियों में एक हार्श फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि देखो लद्दाख में जहां पर यह स्थिति उत्पन्न हो रही है वहां पे सर्दियों में जैसे सियाचिन वाला होता है ना उस तरीके की स्थिति, वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो जनरली हमारी ट्रूप्स वापस चली जाती थी, लेकिन फिर से वैसा ही हो रहा है कि भारत फिर से एक हार्श मतलब बहुत ही कठिन फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट देख रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, जैसे चूंकि वहां पर स्थिति बहुत ही कठोर होती जा रही है, इट मे बी फॉर लॉन्गर, और ये लंबे समय के लिए हो सकता है। कह रहा है देयर इज ओनली वन सिल्वर लाइनिंग, यानी कि सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है इन द वॉर ऑफ वर्ड्स आफ्टर 13th राउंड ऑफ इंडिया चाइना कोर कमांडर लेवल टॉक्स, ये कॉप्स नहीं होता है, कोर बोलते हैं इसको, कोर कमांडर लेवल टॉक्स ऑन चाइनीज इनकर्सन्स एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। कह रहा है कि इसमें सिर्फ एक उम्मीद की किरण है, जो भारत और चाइना के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, यानी कि भारत और चाइना के बीच में बार बार कोर कमांडर लेवल की टॉक्स होती हैं, बातचीत होती है, उसमें एक तरीके से दोनों लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, और जो कि चाइनीज इनकर्जन पे हो रही है, यानी कि चाइना ने जो वहाँ पे एक तरीके से इन्वेड किया हुआ है, उन्होंने उस एरिया पे कब्जा किया हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इन ईस्टर्न लद्दाख। The talks have not broken down altogether. सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है, और वो सिल्वर लाइनिंग क्या है कि जो टॉक्स हैं वो अभी तक ब्रोकन डाउन नहीं हुई, यानी कि एकदम से समाप्त नहीं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हम बात करना ही ऑलमोस्ट बंद कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है कि एटलीस्ट बात दोनों जगह से हो रही है। The talks have not broken down altogether. ठीक है, Neither side has said there will be no more talks. दोनों में से किसी साइड ने नहीं कहा है कि दोनों के बीच में अब बातचीत नहीं होगी। The Indian statement included the line that the two sides have agreed to maintain communications and also to maintain stability on the ground. तो ये बड़ी अच्छी चीज कही है, भारत सरकार ने भी ये कहा है कि दोनों ही साइड बातचीत जारी रखेंगे और ऑन ग्राउंड स्टेबिलिटी रखेंगे, यानी कि किसी भी तरीके का युद्ध होने की कोई स्थिति नहीं है, दोनों ही लोग बातचीत जारी रखेंगे और स्टेबिलिटी रखेंगे ग्राउंड पे। ठीक है, द डिसएग्रीमेंट केम, यानी कि जो ये विवाद हुआ ये किसके ऊपर हुआ है, इंडिया ने जो चाइना से डिमांड किया है कि उसे PP15 पॉइंट जो है एट हॉट स्प्रिंग्स इन गोगरा सेक्टर पे चाइना को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि भारत ने चाइना से कहा कि उसे PP15 जो एट हॉट स्प्रिंग है उसे खाली कर देना चाहिए, इस बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ है। जुलाई में दोनों साइड एग्री हुई थी और उन्होंने कैरी आउट भी किया था डिसएंगेजमेंट क्लोज बाय द PP17। तो पॉइंट नंबर 17 पे, यानी कि दोनों ही साइड सहमत भी हुई थी और दोनों ही साइड की सेनाएं जो हैं वो वापस गई थी, डिसएंगेजमेंट मतलब वापस जाना, जिसे गोगरा पोस्ट भी कहते हैं, लाइक PP17। The one at Hot Springs does not offer itself to either side as launch pad for a military strike. लेकर आया जैसे कि PP17 जो है वो एक तरीके का लॉन्च पैड हो सकता था, लेकिन जो हॉट स्प्रिंग पे पॉइंट है जिसके बारे में हमने पीछे बात करी PP15, वो दोनों ही साइड्स के लिए कोई लॉन्च पैड का काम नहीं कर सकता है फॉर अ मिलिट्री स्ट्राइक के लिए लॉन्च पैड का काम नहीं कर सकता है। फॉर अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट, अगर हम मिलिट्री पॉइंट से देखें, इट इज लॉजिकल दैट द पीपल्स लिबरेशन आर्मी डिसएंगेज्ड फ्रॉम वन बट इज नॉट रेडी टू हेयर अबाउट द अदर unless the idea is to signal an intention to let the situation at the LAC in Ladakh fester. अब ये बड़ी मतलब इसीलिए कहता हूँ एडिटोरियल पढ़ा करो, मुझे बड़ा मजा आता है। अब इसमें देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये बहुत ही, अगर हम मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से देखें, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बड़ा ही लॉजिकल है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे हम चाइना की आर्मी कहते हैं, अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी लिखा है और आगे ये हमेशा PLA का इस्तेमाल करेंगे, ये होती छोटा राजन अप्रोच, पहले फुल फॉर्म फिर शॉर्ट फॉर्म, यहाँ देखो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिखा था, अब ये आगे PLA का इस्तेमाल, सॉरी LAC का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमेशा छोटा राजन अप्रोच याद रखेंगे, पहले फुल फॉर्म और फिर शॉर्ट फॉर्म। तो कह रहा है ये बहुत ही, ये बड़ा ही इलॉजिकल है, अगर मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा इलॉजिकल है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, यानी कि जो चाइना की आर्मी है, एक पॉइंट से तो वो पीछे हट गए लेकिन दूसरे के बारे में वो सुनने कोई रेडी नहीं है, अनलेस द आइडिया इज, ऐसा तब तक नहीं हो सकता, यानी कि तब तक ये चीज लॉजिकल लगती है जब तक कि हम, अगर उनका आइडिया ये नहीं है टू सिग्नल इन इंटेंशन टू लेट द सिचुएशन एट LAC इन लद्दाख फेस्टर, यानी कि जब तक कि उनका इंटेंशन लद्दाख में स्थिति को खराब करना नहीं है,
तब तक ये चीज इलॉजिकल लगती है। अगर हम ये सोचें कि वो शायद लद्दाख में स्थिति को खराब करना चाहते हैं तो ये चीज उतनी इलॉजिकल नहीं लगती है। ठीक है, तो अनलेस हो गया यहां पर। ठीक है, इट इज इंट्रीगिंग, यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सोचना, दैट चाइनीज स्टेटमेंट आफ्टर दिस राउंड केम फ्रॉम पीएलए'स वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर इन चेंगडू रादर देन फ्रॉम बीजिंग एज हैज बीन कस्टमरी अंटिल नाउ। और ये बड़ी अजीब सी बात हुई इस बार, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हुई कि चाइना का जो इस बार का स्टेटमेंट है वो वेस्टर्न कमांड से नहीं आया, जो कि पीएलए का जो वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है चेंगडू, वहां से नहीं आया, जबकि बीजिंग से आया। हालांकि जो अभी तक प्रथा यही चली आ रही थी, प्रचलित यही था कि हमेशा बीजिंग चेंगडू से आ रहा था। ठीक है, नहीं, चेंगडू से आया है, पहले बीजिंग से आ रहा था, रादर देन फ्रॉम बीजिंग, पहले बीजिंग से आ रहा था, इस बार चेंगडू से आया है। द एक्रीमोनियस एंड वॉज डेफिनेटली नॉट कीपिंग विद द रिसेंट एग्रीमेंट एट द दुशान्बे बिटवीन दुशान्बे बिटवीन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर एंड हिज काउंटर पार्ट वांग यी दैट द टू साइड्स शुड रिजॉल्व द रिमेनिंग इशू एट द अर्लीस्ट। यानी कि ये जो एक्रीमोनियस एंड है, यानी कि जो बड़ा ही कड़वा सा एक्रीमोनियस, मतलब बड़ा ही कड़वा, एक्रीमोनियस मतलब होता है कड़वा, तो बड़ा ही जो कड़वा सा जो एंड है, यानी कि जो खराब सा एंड हो रहा है, ये डेफिनेटली नॉट इन कीपिंग विद, यानी कि उसके बिल्कुल, उससे तो बिल्कुल भी मिल मैच नहीं कर रहा है, नॉट इन कीपिंग विद, यानी कि उससे तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है जो कि रिसेंट एग्रीमेंट हुआ था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष चाइना के एक्सटर्नल मिनिस्टर वांग यी से के साथ में। उन्होंने, दोनों लोगों ने इस बात पे सहमति जताई थी कि दोनों ही साइड इस इशू को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इट पुट फॉरवर्ड कंस्ट्रक्टिव सजेशन, यानी कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत ही प्रयोगात्मक कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए, यानी कि ऐसे सजेशंस जो कि बहुत ही कंस्ट्रक्टिव हैं, जो कि बहुत ही मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब बनना, कंस्ट्रक्टिव सजेशन मतलब ऐसे सजेशन जो कुछ बनाएंगे। बट द चाइनीज साइड डिड नॉट अग्री, बट चाइना की साइड ने अग्री नहीं, सहमति नहीं जताई। दे डिड नॉट कम अप विद एनी फॉरवर्ड, कम अप विद मतलब आना किसी पॉइंट से, वो किसी भी फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल के साथ में नहीं आए। The PLA accused India of making unreasonable or unrealistic demands. और चाइना की जो आर्मी थी उसने भारत को accuse किया, भारत पे accuse मतलब आरोप लगाना, उसने भारत को accuse किया, आरोप लगाया कि वो बड़े ही unreasonable और unrealistic demands रख रहे हैं, मतलब बड़े ही unreasonable यानी कि जिनका कोई reason नहीं है, जो बड़ी unreasonable demand है और बहुत ही अवास्तविक demands रख रहे हैं। इंडिया नाउ फेसेस अनदर विंटर ऑफ हार्श फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख, यानी कि भारत के सामने अब समस्या ये है कि भारत फिर से एक नया विंटर फेस कर रहा है जिसमें फिर से भारत को बड़े हार्श फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट रखना पड़ेगा लद्दाख में, एंड गोइंग बाय द हार्डनिंग पोजिशंस, यानी कि बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा दोनों ही साइड से। इट मे नॉट बी जस्ट फॉर वन मोर ईयर, और हो सकता है कि ये सिर्फ एक और साल की बात नहीं है, ये कंटिन्यूसली हमेशा चल सकता है अभी, क्योंकि दोनों स्थिति ऐसी बन गई है। आर्मी चीफ जो है हमारे एमएम नरवणे हैज एक्नॉलेज्ड, उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है, स्वीकारा है, दैट द रैपिड पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑन द चाइनीज साइड ऑफ एलएसी टू द सो कॉल्ड फ्रिक्शन पॉइंट वरीज हिम एंड दैट इट मींस द पीएलए आर हेयर टू स्टे एंड दैट दिस मींस इंडिया विल स्टे देयर एज वेल। बड़ी मतलब मजा आ रहा है मुझे तो ये पढ़ने में, आपको भी आ रहा होगा शायद। तो एमएम नरवणे ने कहा है, इस बात को स्वीकारा है कि चाइना की साइड में जो फ्रिक्शन पॉइंट जहां पे हमारा विवाद है, वहां पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अगर वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि चाइना वहां पर रहने वाला है, वापस नहीं जाने वाला है, और अगर चाइना वहां रहने वाला है तो हम भी वहां रहने वाले हैं जब तक कि वो वहां है। इट इज इवन मोर वरिंग, और ये और ज्यादा चिंताजनक है, दैट इंडिया नाउ हैज व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज अ काइंड ऑफ एलओसी सिचुएशन अलोंग द एलएसी। तो ये काफी बड़ी चिंताजनक बात है कि हम एलएसी में भी वही स्थिति आने वाली है जो कि एलओसी में है। द एलएसी इज सर्टेनली क्वाइटर देन द वेस्टर्न फ्रंट, हालांकि एलएसी एलओसी की कंपेयर, वेस्टर्न फ्रंट मतलब पाकिस्तान वाली साइड, उसके कंपैरिजन में शांत जरूर है, बट गोइंग बाय रिसेंट डेवलपमेंट्स एट तवांग इन अरुणाचल प्रदेश वेयर देयर वॉज अ माइनर स्टैंड ऑफ बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स एंड इन बारामती इन उत्तराखंड where the PLA reportedly tried to make some incursions, nothing can be taken for granted. तो वो ये कह रहा है, author ये कह रहा है कि अगर हम recent developments को देखें जो कि हाल फिलहाल में चल रहा है, जैसे तवांग में अरुणाचल प्रदेश में भारत और चाइना के आर्मी के बीच में minor standoff हुआ, यानी कि minor विवाद हुआ, उसी तरीके से उत्तराखंड में बारामती में सुनने में आया है, ऐसा न्यूज़ में आया है, इन्होंने लिखा ना कि
रिपोर्टेडली, यानी कि ऐसा सुनने में आया, खबरों में आया कि पीएलए ने वहां पे भी मतलब इनकर्जन करने की कोशिश की, एक तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश की. नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है. वी कैन नॉट, मतलब इसको ऐसे आसानी से हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है. वी कैन नॉट टेक इट फ्रॉम ग्रांटेड, टेक इट फॉर ग्रांटेड मतलब फॉर ग्रांटेड लेना मतलब आप किसी को बहुत हल्के में ले रहे हो तरीके से. द ट्रस्ट डेफिसिट, दोनों के बीच में जो ट्रस्ट की कमी हुई है, जो विश्वास की कमी हुई है बिटवीन द टू कंट्रीज हैज इंक्रीज, और ये बढ़ गया है बहुत ज्यादा. इवन द ट्रेड बिटवीन द टू साइड्स इज क्लॉकिंग एस्टॉनिशिंग नंबर्स. अब यद्यपि दोनों ही देशों के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बहुत ही ज्यादा एस्टॉनिशिंग नंबर्स में हो गया है, क्लॉकिंग एस्टॉनिशिंग नंबर्स, यानी कि ट्रेड बहुत ही अपने हाई पे है एकदम एक तरीके से. द लिमिट्स ऑफ द बायकॉट चाइना कैंपेन स्टैंड एक्सपोज्ड. और जो हम बायकॉट चाइना कैंपेन चला रहे थे उसकी जो लिमिट्स हैं, उसकी जो एक तरीके से उसमें लिमिट्स हैं, वो बड़ा ही बहुत ही क्लियरली एक्सपोज हो गई, क्योंकि हमारे पास, हम उस पर सीमित हैं. हम चाह के भी ऐसा फ़ोन नहीं ले सकते जो भारत में पूरी तरीके से बना हो, क्योंकि चीज़ें बन ही नहीं रही हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मजबूरन चाइना की ही लेनी पड़ती हैं. आप लाख, जैसे दिवाली पे लाख कह लो कि आप भारतीय झालर लोगे, लेकिन सच ये है कि अगर आप उसी दुकानदार से अच्छे से पूछोगे ना, तो वो कह देगा कि ये भी चाइना से आई है, जिसको वो ऊँचे दाम पर भारतीय कह के चिपका रहा है. तो सच्चाई ये है कि हम लिमिटेड, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, और इसीलिए बायकॉट चाइना कैंपेन पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है. द चैलेंज फॉर इंडिया इज टू कीप पुशिंग चाइना फॉर रिजल्ट्स एट LAC एंड ब्रॉडर रिजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन वाया टॉक्स. तो ये कह रहा है कि भारत के लिए चैलेंज यही है कि चाइना को वो पुश करे, चाइना को इस चीज़ के लिए बार बार बोले कि वो रिजॉल्व करे इस सिचुएशन को LAC में और बातचीत के जरिए, और हमारी मिलिट्री को इक्विप करे, मिलिट्री को सारे संसाधन उपलब्ध कराए, और LAC पे हमेशा स्टैंड गार्ड रहे, यानी कि पूरी तरीके से चौकन्ना रहे, ठीक है. तो ये दो आर्टिकल्स हमने आज पढ़े. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है. जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. अगर आप मुझसे पर्सनली बताना चाहते हैं तो आप मुझे 8299117042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप मुझे बता सकते हैं. इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा. वीडियो यहाँ तक देखा है तो भाई ज़रूर से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ इसको देखिए और रेगुलरली फॉलो कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए. Thank you so much for watching this video. Have a very great day ahead. Take care. Bye-bye.